आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। अभी मैं खड़ी हूं कपूरी स्थान में, बेगूसराय के कपूरी स्थान में, और मेरे तरफ आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां से सड़कें निकलती है और ये मेन सड़क कहा जाता है कपूरी स्थान में। दो तरफी दुकानें हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कितना भीड़ लगा, जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए उस तरफ भी खचाखर, ना आने का ना जाने का, कितना कैसा सामना करना पड़ रहा है, बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ रहा है। डेली जाते आते बर्थडे होता है, डेली होता है, डेली होता, कोई प्रशासन यहाँ पे कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, और मैं दिखा रही हूँ आपको, और आइए इधर, बहुत ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं भी इतनी ही मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत देर लगी यहाँ पे पहुँचने में, इसके बावजूद भी मैं पैदल यहाँ पे पहुँची हूँ। मैंने अपनी गाड़ी उधर ही खड़ी कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे पैदल यहाँ पे पहुँची, उसके बावजूद भी मुझे आधे घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से, जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर बेगूसराय का कनॉट प्लेस कहे जाने वाले कर्पूरी स्थान का है। आए दिनों यहाँ लंबी जाम लगी रहती है। ये वो मुख्य सड़क है जो बेगूसराय का सबसे बड़ा मार्केट, मेन मार्केट, और बेगूसराय का सबसे चर्चित महाविद्यालय गणेश दत्त महाविद्यालय के सड़कों को जोड़ती है। अस्थाई दुकान है ना यहाँ? हाँ, पे हाँ। कितने सालों से? 50 साल से। तो यहाँ पे डेली जाम लगा रहता है ये कपूरी स्थान, बहुत ही बेगूसराय का बहुत ही चर्चित स्थान है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसका बहुत दर्दनीय दशा है। हम लोग कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं DM साहब के पास, SDO साहब के पास, सब जगह लिखा था, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। ठेला रोड पर लगाता है, रिक्शा लगाता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई प्रशासन इस तरफ इन नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। आपकी दुकान पे भी कोई स्थिति पड़ती होगी, इसकी प्रभाव पड़ती होगी? काफ़ी प्रभाव पड़ता है, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी सहार नहीं सकता है, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कोई कस्टमर आने से हम लोग को काफ़ी क्षति होती है इससे। क्या बोलना चाहेंगे, किसको दोष देना चाहिए, किसका दोष देना चाहेंगे? प्रशासन को देंगे, प्रशासन चाहेगा तो एक दिन में कर देगा, उसके लिए एक हफ्ते का काम है, टोटल चीज मैनेज कर सकते हैं। सब रोड जाम है, चट्टी रोड, कचहरी रोड, बेगूसराय, ये मेन रोड है, यहाँ का कनॉट प्लेस, करोल बाग, सब चीज़ यही है, पालिका बाजार वगैरह सब समझिए यही रोड है, इससे बड़ा है VIP रोड कोई नहीं है। अभी इस रोड पर जो है आप एक साइकिल लेकर कपूरी स्थान से आधा घंटा लगेगा आने में जाने में, ना कोई मरीज जा सकता है, ना कोई जा सकता है। कभी क्या आपको इस जाम की कभी झेलनी पड़ी है? काफ़ी बार झेलना पड़ा, एक बार क्या, 100 बार झेलना पड़ता है, कहीं जाना भी हो तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग खड़े रहते हैं। अगर घर से फोन आ जाए कि इमरजेंसी है तो? कहीं कोई नहीं जाता, हमारा क्या, कोई पेशेंट, कोई मरीज कहीं नहीं जा सकता है। हमको डॉक्टर के जाना, वाइफ को लेकर जाना, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, 10 बजे पहले निकलिए, ये रात को 8 बजे जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, काफ़ी परेशानी का सामना। आपकी भी दुकान यहाँ पे अस्थायी रूप से होगी बहुत दिनों से, है ना? तो इस जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, डेली लगती है जाम या फिर कभी कभार? ये जाम लगती नहीं है, लगाया जाता है। लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? हमारे जैसे पब्लिक होते हैं मूर्ख, वही लगाते हैं। कैसे? ठीक है, आप एक लाइन से निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बड़ी वाहन निकल रही है तो छोटे वाहन को रुकना चाहिए 2 मिनट के लिए, वो रुकती नहीं है, पढ़ लिख के भी लोग वो मूर्ख वाला काम करते हैं और वो निकालते हैं बीच से, जिस कारण दिक्कत था, एक कारण सबको फंसना पड़ता है, इसको जाम नहीं कर सकते, ये हम लोग की मूर्खता है। अगर हम दिमाग से काम करें, अगर कोई निकल ले तो पहले उसको निकलने दिया जाए ताकि हम आसानी से निकल सकें। आपकी दुकान पे इसका कोई प्रभाव क्या? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, जाम से कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कस्टमर आते हैं, कस्टमर आना ही है, अब 5 मिनट लेट से आओ या 5 मिनट पहले आए, आना तो है ही, आते ही हैं। हाँ। जाम को चीरते फरते जैसे भी आ जाते हैं, चीरते फरते क्या हुआ, जैसे जितना वेट करे, क्योंकि जो समझदार हैं वो थोड़ा वेट करके ही आएंगे, जो समझदार नहीं होंगे वो ठेल ठाल के ही आएंगे एक दूसरे को। तो किसका दोष देना चाहेंगे जाम? ये मैं जनता की दोष दूंगा, अपने पब्लिक का, ना कि सरकार का, प्रशासन का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, प्रशासन काम करते ही है। हाँ, क्यों नहीं करेगी, अपनी अपनी ड्यूटी अपने समय पर है, अब उसको फॉलो अब हम लोग करना है, ना कि सरकार करेगी। फिर भी जाम लग जाता है तो? फिर भी जाम लग जाता है तो एक पब्लिक ही दोषी मानी जाएगा, मनमानी की माना जाएगा, क्योंकि आप लोग उसकी फॉलो क्या कि हर परिवहन या राजपथ में अपना एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट हम लोग फॉलो करेंगे तो क्यों होगा। अब हाई दुकान है यहाँ का?
हाँ 72 से दुकान है। 72 से ही आपका दुकान है। तो यहाँ जो जाम लगता है, यहाँ बहुत ही चर्चित स्थान है, क्या कहेंगे इस बारे में? जाम लगता है, मेरे जाम जो लगता है ना, अगल बगल जो दुकान छोटे दुकानदार दुकान लगाते हैं या बाइक लगाते हैं, उस वजह से जाम काफ़ी लगता है। चौक पे व्यवस्था नहीं होने की वजह से कोई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती। रामानंद जी यही कंट्रोल कर पाते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल यहाँ नहीं कर पाता है। किन का नाम बोले आप? रामानंद जी हैं। हाँ। यही कंट्रोल करता है और कोई ट्रैफिक पुलिस तो कंट्रोल। इस जाम के कारण आपके दुकान पे भी कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, मार्केट में कस्टमर आना नहीं चाहते हैं, उधर के इधर नहीं आ पाते, इधर के इधर नहीं आते, उधर ही ले लेते हैं और उधर के उधर ही ले लेते हैं। इधर मार्केट बहुत डेवलप किया है आपका। अच्छा, तो किसका दोष देना चाहेंगे आप इसमें? दोस्त तो हम क्या प्रशासन का ही दोस्त देंगे, पब्लिक का, गवर्नमेंट का ही दोस्त देंगे, पब्लिक का दोस्त। देखिए, अगर गवर्नमेंट सही रहेगी ना, पब्लिक खुद ब खुद सही हो जाएगी। गवर्नमेंट के ये नहीं, यहाँ नहीं करना है तो नहीं करना है। अब मान छोटे छोटे जो नीचे तबके के प्रशासन लोग पैसा ले दे के एक बार काम निकाल लेते पब्लिक का, तो पहले तो पब्लिक को भी सही होना पड़ेगा, प्रशासन को सही, और फिर पब्लिक को भी सही होना पड़ेगा। प्रशासन अगर सही नहीं हुआ, पब्लिक अगर सही हो जाएगी, प्रशासन खुद ब खुद सही हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इस लंबी जाम को फटाक से गायब कर देने वाले ट्रैफिक पुलिस रामानंद सिंह की दाद देनी पड़ेगी। पब्लिक को यही कहते हैं कि सदैव अपना बाएं चलें, बाएं रहें, गाड़ी जहां तहां पार्क नहीं करें, ये भी सदैव समस्या हो जाता है। जहां ये कपूरी स्थान जो है और ये जो बेगूसराय का मेन मार्केट, ऐसा का जब बेगूसराय का नॉट प्लेस कहा जाने वाला ये स्थान है, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, जाम भीड़ लग जाती है, जाम लग जाती है। आप पब्लिक को किस तरह से समझा पाते हैं? सर, पब्लिक को तो हम वही घर हमेशा कहते हैं कि आप बाएं चलिए, अपना अपना बाएं चलिए, लेकिन बहुत से आपकी बात मानती है? जी हाँ, मानते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो कि नहीं मानते हैं, उसी कारण। जी सर, उनको समझाना पड़ता है और समझा बुझा के इधर सर कम चलाते रहते हैं, लेकिन हर तक लोग मानते हैं, जो समझ गए कि नहीं यहाँ ढेर दिन से है, फिर का बात ही सही बोल रहे हैं, इनके निजाम नहीं रहता है तो मानते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं? सर, यहाँ तो हम बहुत दिन से बीच बीच में बदलते हैं, फिर यहीं पर साहब के द्वारा कहते नहीं। आपका नाम? सर, हमारा नाम रामानंद सिंह है। तो कुछ पब्लिक आपका बोल रही थी कि जब वो आते हैं बहुत कम ही देखने को मिलता है जाम की। जी, सही बात है सर, हमने रहने के बाद जाम नहीं के बराबर रहता है। नहीं के बराबर? जी सर, अभी आप देखे होंगे कितना बड़ा जाम था, हम आए थे 10 मिनट में पूरा खाली हो गया। हम सर अपना मन तन मन धन से लगे रहते हैं ड्यूटी में, कोई कथा ही नहीं करते हैं। तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? तो भाई यही कहेंगे सर, अपना अपना बाएं चलते रहें, गाड़ी जहां तहां पार्क नहीं करें, कोई स्थिति बढ़िया रहेगा, जाम नहीं रहेगा। और सर क्या कर सकते?